हेलो एवरीवन, दिस सुनील कश्यप और आज हम बात करेंगे एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेम स्ट्रक्चर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि भाई पहले फ्रेम ही बता दे। हाँ, तो फ्रेम एक डिजिटल डेटा यूनिट है जिसके अंदर डेटा के सैंपल्स होते हैं बीट्स या सिंबल के फॉर्म में। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्म का टेप है। हाँ वही, कोडेक की रील वाली। अच्छा, तो इसके अंदर कुल 6 फोटो लगे हुए हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट की। अगर आप नोटिस करें, जो लास्ट वाली फोटो है जिसमें ये लड़का लड़की साथ में खड़े हुए हैं, अगर किसी वजह से इस फोटो की इन्फॉर्मेशन अगर करप्ट हो जाए तो हमें फाइनल आउटपुट ना कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। आपने अगर नोटिस किया होगा, पहले वाली जो फोटो थी उसमें लड़का लड़की क्या थे, अरे साथ में खड़े थे, अब क्या हो गए, जुदा हो गए। हाँ, तो इस तरह का कुछ। इस चीज से हमें यह पता लगता है कि किसी भी फ्रेम की इन्फॉर्मेशन करप्ट होने पे रिसीवर तक डेटा आधा ही पहुंचता है। रियल टाइम एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जब हम फोन पे बात करते हैं तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमें ना क्या होता है कि वॉइस ब्रेक होती है। वो इसलिए होता है कि जो हमारी स्पीच के फ्रेम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिस्कार्ड हो रहे होते हैं। इसकी वजह से हमें वॉइस जो होती है ना, वो कट कट के आती है, मतलब आधा इन्फॉर्मेशन गायब हो के आता है। तो हमें लगता है कि वॉइस कट कट के आ रही है, जबकि क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होते हैं, हमारे फ्रेम जो स्पीच के फ्रेम है वो डिस्कार्ड हो रहे होते हैं। हाँ, तो इसका सिंपल सा फंडा है भाई, फ्रेम सही से आई आपको वॉइस सही से सुनाई देगी, नहीं आई तो नहीं सुनाई देगी। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेम। हाँ, तो एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर में भी दो टाइप के फ्रेम होते हैं। एक को कहते हैं एफडीडी फ्रेम और दूसरे को कहते हैं टीडीडी फ्रेम। जो एफडीडी फ्रेम होता है उसे टाइप 1 फ्रेम स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमारा टीडीडी फ्रेम है उसे टाइप 2 फ्रेम स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे पहले कि मैं आपको एफडीडी और टीडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, इसकी यूनिट के बारे में हम पहले जान लेते हैं। हाँ, तो एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसे हम फ्रेम कहते हैं, जिसकी कुल लेंथ होती है 10 मिलीसेकंड की। अब अगर हम इस फ्रेम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें आधा आधा, तो इसकी यूनिट बन जाती है हाफ फ्रेम की, और हर एक हाफ फ्रेम की जो लेंथ होती है वो होती है 5-5 मिलीसेकंड की। अब अगर हम इस फ्रेम को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इसकी यूनिट बन जाती है सब फ्रेम की, और हर एक सब फ्रेम की जो लेंथ होती है वो होती है 1 मिलीसेकंड की। और आगे अब हम अगर एक सब फ्रेम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इसकी यूनिट बन जाती है टाइम स्लॉट की, हर एक टाइम स्लॉट की जो लेंथ होती है वो होती है 0.5 मिलीसेकंड की। अब हर एक टाइम स्लॉट के अंदर 12 सब कैरियर होते हैं और 7 OFDMA सिंबल होते हैं नॉर्मल प्रीफिक्स में, और जब 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 84 आता है, जिसे हम कहते हैं रिसोर्स एलिमेंट। रिसोर्स एलिमेंट किसी भी एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एफडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एफडीडी टेक्नोलॉजी में अपलिंग और डाउनलिंग पाथ जो होता है वो अलग अलग होता है। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, वो इस आई बटन पे क्लिक करके इसका पूरा कंसेप्ट जान सकते हैं। हाँ, तो एफडीडी फ्रेम में एक फ्रेम की लेंथ होती है 10 मिलीसेकंड की। अब इसे अगेन 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम सब फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, और हर एक सब फ्रेम की जो लेंथ होती है वो होती है 1 मिलीसेकंड की। अब क्या होता है कि इन सब फ्रेम को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और इसकी यूनिट बन जाती है टाइम स्लॉट की, और हर एक टाइम स्लॉट की जो लेंथ होती है वो होती है 0.5 मिलीसेकंड की। अब हम जानते हैं कि इस टाइम स्लॉट के अंदर क्या होता है। अगर हम किसी एक टाइम स्लॉट को पकड़ें, तो इसके अंदर होते हैं 12 सब कैरियर, जिसके बीच की स्पेसिंग होती है 15 किलोहर्ट्ज की, और इसके अंदर होते हैं 7 OFDMA सिंबल 0 to 6 तक। जब हम इस 12 सब कैरियर और 7 OFDMA सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 84, विच इज द रिसोर्स एलिमेंट। और ये जो रिसोर्स एलिमेंट होता है, ये सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर का। आई होप अब आप जान गए होंगे कि एफडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर में होता क्या है। अब हम आगे बात करते हैं टीडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेम स्ट्रक्चर में भी एक फ्रेम की जो लेंथ होती है वो होती है 10 मिलीसेकंड की। अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी आधे आधे हिस्से में डिवाइड करने के बाद इसकी यूनिट बन जाती है हाफ फ्रेम की, और हर एक हाफ फ्रेम की जो लेंथ होती है वो होती है 5 मिलीसेकंड की। क्या होता है आगे कि हम अगर इस फ्रेम को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो इसकी यूनिट बन जाती है सब फ्रेम की, और हर एक सब फ्रेम की जो लेंथ होती है वो होती है 1 मिलीसेकंड की। तो जैसा कि आप जानते हो कि टीडीडी में अपलिंग और डाउनलिंग पाथ अलग अलग नहीं होते हैं, तो इन 10 सब फ्रेम में से कुछ फ्रेम अपलिंग के लिए यूज होंगे और कुछ फ्रेम जो होंगे डाउनलिंग के लिए यूज होंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये कैसे डिसाइड होगा कि 10 में से अपलिंग का फ्रेम कौन सा होगा और डाउनलिंग का फ्रेम कौन सा होगा। तो इसका जवाब ये है कि एज पर द 3GPP गाइडलाइंस 60DD फ्रेम कॉन्फिगरेशन डिसाइड की गई है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और हर ऑपरेटर को इसमें से चूज करना होता है कि वो अपने सिस्टम में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करेगा।
अभी स्टेडी फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन में दो स्पेशल सब फ्रेम भी होते हैं, जिसका काम होता है अपनी और डार्लिंग फ्रेम के बीच में स्विचिंग करना। और हर स्पेशल फ्रेम के तीन हिस्से होते हैं, जो इसका सबसे पहला हिस्सा होता है यानी डाउनलिंक पायलट स्लॉट, वह एक तरह का डाउनलिंक सब फ्रेम ही होता है, जिसके अंदर कुछ रेफरेंस सिग्नल होते हैं और कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। जो इसका दूसरा हिस्सा होता है, जिसे हम गार्ड पीरियड कहते हैं, इसका काम होता है अपलिंग और डाउनलिंक ट्रांसमिशन के बीच में स्विचिंग का काम करना। इसका इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जितना आप गार्ड पीरियड को बड़ा रखोगे, उतना कम आपको इंटर सिंबल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। जो इसका तीसरा हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं अपलिंक पायलट टाइम स्लॉट, जिसका यूज होता है रैश ट्रांसमिशन करने के लिए, यानी सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जाए उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। अब मैं काफी देर से आप लोगों को बता रहा था कि टीडीडी या एफडीडी फ्रेम स्ट्रक्चर में एक फ्रेम की लेंथ होती है 10 मिलीसेकंड की, यानी इसका मतलब क्या होता है। अगर हम 10 मिलीसेकंड को सेकंड, ये होता है कि आपके 10 मिलीसेकंड के फ्रेम में 30.72 मिलियन सैंपल्स होते हैं। तो ये पूरी कहानी थी टीडीडी एफडीडी के फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि एफडीडी और टीडी फ्रेम स्ट्रक्चर में होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में एक बेल आइकॉन का बटन है, उसे भी दबा दें, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल हैंडसेट में आ जाए। तो मिलते हैं अपने नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट।